बस तो बस दोस्तों, अभी निकी के यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। इतना ऑयल क्यों आ रहा है चेहरे पे? वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं लोखंडवाला मार्केट, तो चलिए घूमते हैं लोखंडवाला मार्केट। बस समय बाद आई हूँ इस साइड। क्या नहीं निकालने देंगे, मैंने निकाल लिया। चलो यार, ऐसी ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। तो बस दोस्तों, अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ। निक्की स्कूटी चला रही है और ये आ गया है पवई लेक। बस पहुँचने ही वाले, और हालत ऐसी ख़राब हुई है वो मैं क्या बताऊँ आपसे, क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम था बहुत ज़्यादा। चलिए चलते हैं। लड़की चाय बना रही है। गाइस 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 हेलो गाइस, मैं चाय बना रही हूँ। ये इसकी चाय एक घंटे तक बिरबल की खिचड़ी की तरह पकती है। मैं सोच रही ऐसे ही बोलना शुरू कर दो, देखते हैं ये इतनी दूर से। तो दोस्तों, अभी हम निकल चले हैं पवई की तरफ। हमने सोचा क्यों ना हम पवई जाके घूम आए, कैसा माहौल हो रखा है क्रिसमस का, जाके देखा है। देखे बहुत सारे लोग पार्टी वार्टी करने के लिए निकले हुए थे। हमने सोचा चलो उनको रिकॉर्ड किया जाए और देखा जाए कि बाहर कैसा माहौल है, उसका जायज़ा लिया जाए। देखिए सोशल के सामने बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग पार्टी वार्टी करने आए थे। और ये देखिए, ये अब हम आ गए हैं गैलेरिया की तरफ। गैलेरिया अब लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे। और अब इधर है हाइको। हाइको के सामने बहुत सारे शूट हुए हैं। अभी हाइको के पास एग्जीबिशन लगी हुई है और बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। डेकोरेशन कितने सामान देखिए, कितने सारे मिल रहे हैं। बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं तो यहाँ पे, इसलिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और अभी तो आगे और भी ज़्यादा भीड़ दिखने वाली है, क्योंकि हम अभी आगे जाने वाले हैं हीरा नंदानी में, आगे जो मार्केट है उसके पास, और वहाँ पे कुछ होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे। तो क्रिसमस का माहौल है और हर जगह डेकोरेशन हो रखी है। चलिए आपको पूरी डेकोरेशन भी दिखाऊंगे। और आगे चल रहा है कुछ फेस्टिवल, और देखिए कितना सजा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी आगे पूरा रोड जाम कर दिया गया। तो यहाँ से रोड जाम कर दिया गया, और यहाँ से जो दूसरा छोर है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको शॉप मिलेंगी, और खाने पीने की शॉप्स हैं और डेकोरेशन की हैं, हर चीज़ की शॉप्स मिलेंगी। देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई है और अब चलते चले जाइए, इतनी भीड़ लगी हुई है। थोड़ा आगे जाकर वहाँ पर कुछ सिंगर जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आवाज़ थोड़ी स्लो कर दी है बैकग्राउंड की।
और अभी आगे आपको वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ही शुरू हो गई है, ये डांस की शुरुआत हो चुकी है। तो बस दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया क्योंकि 10 बज गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आगे घूम कर आएँ और देख कर आएँ कि कितनी सारी शॉप्स हैं, कौन कौन सी शॉप्स लगी हुई हैं और क्या क्या मिल रहा है वहाँ पर। अब काफ़ी 10 बज चुका है तो काफ़ी शॉप जो है वो क्लोज़ होना शुरू हो गई हैं, लेकिन स्टॉल तो बहुत सारे लगे हैं, चाहे खाने पीने का हो, चाहे देख लीजिए खाने पीने की बात करिए। यहाँ पर मैं खाने लग गई समोसा। यहाँ पे हो रहा था वो ख़त्म हो गया है और आवाज़ आनी बंद हो गई है क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो इसलिए बंद कर दिया होगा म्यूज़िक वाला। और लेकिन वहाँ पे खाने पीने की दुकानें ऐसी भरमार है कि पूछो मत, भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए चलते हैं, क्रॉस उधर से ही करके जाना है। क्रिसमस के रंग में रंगे और परों से सावधान। इधर शुरुआत में लग रहा है कि खाली, लेकिन है नहीं, आगे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग शॉप्स के लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पेंटिंग्स वगैरह के हैं, यहाँ पे क्या क्या है देखिए, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ये खाने पीने के तो अलग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग तैयार हो के आए। मैं तो यूं ही आ गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे चल रहा है, अदरवाइज मैं भी उसी हिसाब से होकर आती। खाने पीने के स्टॉल ज़्यादा लगे हैं, कुछ लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए सेल्फ लव लिखा हुआ है किसी ने, खुद से बहुत प्यार है, करना भी चाहिए। और देखिए यहाँ पे किचन वाला, देखिए ज्वेलरी वाला लगा हुआ है। अच्छा अभी ये पूरा खाली दिख रहा है ना, उस समय बहुत भीड़ थी जब जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी पेंटिंग कर
बना रहे हैं, बच्चों के साथ बड़े भी बना रहे हैं। हीरा नंदानी ने अपना स्टॉल बना रखा, देखिए बच्चा बना रहा है। रसा कैंडल का है, लखनवी लव भी बिक रहा है यहाँ पे, स्पिन ज्वेलरी। यही हो रहा था ये बंद हो गया। देखिए अब शायद निकाल रहे हैं, पहले ये सब चल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, उस समय चल रहा था। अब बच्चे कम दिख रहे हैं, देखिए वाह, बच्चों के लिए सही है सारी चीज़ें। अंकल जी चख रहे हैं क्या है। सब एक से खाशिंग हो गया है दोस्तों ऐसे ही आगे यहाँ पे वो भी रखी हुई है, एम्बुलेंस भी रखी हुई है, कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए इसी ने सजा रखा था। मैं तो बहुत समय बाद आई हूँ और शायद आज लास्ट डे था क्या, देख के बताऊंगी। ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैरी क्रिसमस। आगे की वीडियो अब हम कल दिखाएंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।